नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। और एक बार फिर से हम पॉलिटिकल खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। खबर सबसे बड़ी जयपुर से है, जहां सचिन पायलट एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज वो मृतक राम प्रसाद मीणा के परिजनों से मिले, इंसाफ की मांग की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत भी दे दी। दूसरी खबर यह है कि किस तरह से अशोक गहलोत के साथ अपनी मिलीभगत को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आती हैं, पहली बार वसुंधरा राजे ना केवल बोली हैं बल्कि अशोक गहलोत को, उनकी सरकार को जो सुझाव भी दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर भी बात होगी। और बात ये भी होगी कि राजेंद्र गुढ़ा जो सरकार के मंत्री हैं, जो कल कांग्रेस की कार्यशाला में नहीं गए थे, वो आज संवाद कार्यक्रम में गए, ना केवल अपनी सीट का फीडबैक दिया, झुंझुनू जिले के बारे में भी रणनीति बताई और मीडिया से बिना बोले बिना बात किए हुए निकल गए। किस तरीके से क्या नसीहत उनको मिली है आलाकमान की तरफ से, इस पर भी बात होगी। लेकिन बात सबसे पहले विजय जी सचिन पायलट की। अनशन के बाद वो फील्ड में उतरे थे, सरकार को कई मोर्चों पर लगातार वो अपनी बात, करप्शन के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज तो एक आत्महत्या के मामले में उन्होंने नसीहत दी है कि इंसाफ नहीं मिल रहा और सरकार के मंत्री को, जो महेश जोशी जिनका नाम आया है, उनको लेकर नैतिकता का तकाजा भी याद दिलाने की कोशिश उनकी दिखाई दी है। देखिए सुशांत, सचिन पायलट कोई मौका नहीं चूक रहे। जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ वो उस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कानून व्यवस्था वाले मसलों पर उनके लिए मुख्यमंत्री आसान टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है। अभी भी आपने तो उनकी जो हम साउंड बाइट सुन रहे थे, तो महेश जोशी के से ज्यादा अटैक वो अशोक गहलोत पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक नेता के नाते जो वो कह रहे हैं उसको लेकर कोई गलत भी बात नहीं है। भाई कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो दूर किया जाना चाहिए, ये तो शाश्वत सत्य है। इसमें कुछ गलत बात वो कह ही नहीं रहे। लेकिन सरकार के खिलाफ तो माना जाएगा ना इसे, पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा इसे, ठीक वैसे ही जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन किया था। देखिए अब हर छोटी छोटी चीज को पार्टी विरोधी गतिविधि मानेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि राम प्रसाद मीणा वाला घटना छोटा है, मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा, लेकिन आप हर जगह जाकर इस तरह के बयान देंगे तो फिर आलाकमान भी धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करेगा। और सीरियसली लेगा अगर आलाकमान, तो फिर सचिन पायलट को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कि उनके बयानों पर प्रतिक्रिया हो रही है, तो उससे नेचुरली आदमी ज्यादा रिएक्ट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक गहलोत यहाँ चूक गए। राजधानी की ही बात थी, इतना टाइम था, वो वक्त नहीं लगना चाहिए था, जाना चाहिए था, खुद भी चले जाते वो, तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प है कि किरोड़ी लाल मीणा भी वही है, किरोड़ी को पायलट का साथ मिल रहा है, पायलट भी वही है, और दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। हालांकि किरोड़ी लाल कांग्रेस में रह चुके, दोनों पूर्वी राजस्थान के कदावर नेता हैं, राजस्थान के हैं, और बीच में पतंगबाजी भी होती रही मीडिया के एक वर्ग की तरफ से कि ये दोनों एक साथ हो जाएं और हनुमान तीसरा मोर्चा बन रहा है, हाँ बेनीवाल भी साथ आ जाएं तो क्या रहेगा। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि पायलट को पार्टी में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, लिहाजा वो कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे जिससे अशोक गहलोत पर अटैक किया जा सके और उन्हें वाजिब कारण भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ये इस तरह के वाजिब कारण है जिसमें कोई सवाल नहीं निकाल, सवाल नहीं निकाल, सवाल खड़े नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एक नेता अगर गरीब के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा। अब कुल मिलाकर ये है कि उनको मौका कौन दे रहा है, एक तरह से सरकार ही मौका दे रही है और उसका मौके का फायदा उठा रहे हैं। और मुझे लगता है सचिन पायलट ने अब तय कर लिया है आर या पार, क्या आर या पार, और पार्टी में रहना है तो ये सवाल उठाते रहना है, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। और नहीं सवाल उठाएंगे तो भी उनके साथ पार्टी वही करेगी, और सवाल उठाएंगे तो भी वही करेगी, तो इससे अच्छा सवाल उठाए जाए, इससे अच्छा कुछ हासिल नहीं है, तो इससे अच्छा खेल तो बिगाड़े कम से कम। और एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया था कि महेश जोशी का नाम आया है इस पूरे प्रकरण में, तो क्या महेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैतिकता का अपना अपना तकाजा है,
ये एक तरीके से सटायर था उनका, और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि उनके मंत्री इस प्रकरण में इस्तीफा दें या नहीं दें, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। तो सरकार, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चूक गए, इस मामले में भी कहीं ना कहीं चूके हैं कि जब महेश जोशी का नाम आया है तो क्यों ना एक एक्शन, एक नज़ीर पेश की जाए कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, एक मैसेज आएगा पब्लिक। ये तो हम और आप कल या परसों भी यही बातचीत में यही डिस्कस कर रहे थे कि कायदे से अगर कोई मुख्यमंत्री के कहने पर FIR दर्ज की जाती है अब उन्हीं की मंत्री के खिलाफ, तो इससे बात आगे बढ़नी चाहिए, उस बात पे वहीं तक बात सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, इस्तीफा भी मांगना चाहिए था या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और जो सचिन पायलट एक तरह से वो बात तो सही कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, किसी किसको मंत्रिमंडल में रखना है, किसको हटा देना है, किससे इस्तीफा मांगना है या किससे इस्तीफा नहीं मांगना है, लेकिन कुल मिलाकर आप अपनों के ही निशाने पर तो आ ही जाते हैं अगर आप काम ढंग से नहीं करते हैं। और सचिन पायलट बिल्कुल मतलब गाइडेड मिसाइल हो गए हैं, कुछ लोग अनगाइडेड मिसाइल होते हैं, कहीं भी चल जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा, ये तो सीधा 8 सिविल लाइन्स है ना, 8 सिविल लाइन्स ही निशाना है इसका और कोई निशाना नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि राम प्रसाद मीणा के आत्महत्या प्रकरण में जिस तरह से पुलिस की जांच चल रही है, वाकई सवाल उठते हैं। पीड़ित परिवार अभी भी वहीं धरना स्थल पे है, जो किरोड़ीलाल मीणा है वो लगातार धरना दे रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से कोशिशें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बहुत पैरवी करने वाला बयान या संवेदना व्यक्त करने वाला बयान नहीं आया। ये जरूर कहा डोटासरा ने, केवल एकमात्र व्यक्ति बोले कि मुख्यमंत्री के कहने पर FIR दर्ज हुई है और अगर जांच में दोषी पाए गए तो फिर महेश जोशी के खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मंत्री पद पर महेश जोशी हैं तो उनके खिलाफ जाँच बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, कहने में तो ठीक लगता है, मंत्री रहते हुए कौन पुलिस अधिकारी ये हिमाकत करेगा कि वो अगर किसी भी रूप में भागीदार हैं, कोई भी उनकी गलती है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, जांच कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, मंत्री पद है, प्रभावशाली पद है, उसी इलाके थाना विशेष हवा मिल के मामला है, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र का मामला है, मुख्यमंत्री से संबंध अच्छे हैं, और जो दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए वो तो देखिए उसमें तो अशोक गहलोत ने तुरंत कार्रवाई की, FIR भी दर्ज हुई, होटल जो निर्माण बुलडोजर भी भिजवा दिया, और कम से कम उस गरीब आदमी के परिवार की अब जमीन अब कोई नहीं छीन पाएगा, ये कम से कम तय हो, ये सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन इंसाफ भी मिलना चाहिए। और जिस तरह से राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से जिस बात की जा रही है, विपक्ष के लोग भी चर्चा करते हैं, सरकार पक्ष के लोग भी बयान देते हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, ना कभी अशोक गहलोत कुछ बोले ना वसुंधरा राजे ने कुछ कहा, लेकिन आज पहली बार सूरतगढ़ में कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार हैं, क्योंकि नींबू और दूध की कभी भी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, मिलीभगत नहीं हो सकती, रिश्ता नहीं बन सकता। तो राजे ने फाइनली एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है कि जहां आचार विचार, विचारधारा और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल हो, वहां आपस में रिलेशन कैसे हो सकता है। हाँ, वो पहली बार रिएक्ट किया है, मुझे लगता है कि इसका ट्रिगर पॉइंट शायद भरतपुर में अमित शाह की रैली में जो अमित शाह ने कह दिया था कि वसुंधरा जी लिहाज कर जाती हैं, आलोचना की उन्होंने गहलोत सरकार की लेकिन कम की अमित शाह की नजर में, तो अमित शाह ने एक व्यंग सा कसा, ये लिहाज कर जाती हैं, देखिए कानून व्यवस्था भी खराब है, फलाना ढिमका सब कुछ खराब है, तो मुझे लगा कि वसुंधरा को लगा होगा कि इस पर रिएक्ट करना जरूरी है। अब दूध में आप नींबू निचोड़ो तो दूध फट जाता है, खेल खराब हो जाए, बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि इससे पहले भी आरोप लगते रहे। आपको क्या लगता है दोनों के रिश्ते कैसे हैं? देखिए अभी आज की इन दिनों की पिछले कुछ सालों में राजनीति बड़ी व्यक्तिगत हुई है, और दुश्मनी निकालना और ये सारी चीज़ें हुई है, पहले आज से 15 साल पहले 20 साल पहले राजनीति में इतनी कड़वाहट नहीं थी, परिवार के लोगों को बख्श दिया जाता था, नेहरू गांधी परिवार पर उस रूप में हमले नहीं होते थे, और वाजपेयी जी कि निजी जीवन को लेकर कोई तरह की बात नहीं की जाती, तो निजी जीवन अलग है,
ये बात अलग हो जाती थी। परिवार के सदस्यों पर हमला नहीं होना, इवन परिवार के जो बड़े नेता हैं वो दूसरे के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ते थे या हल्का उम्मीदवार उतार देते थे। अब राजनीति बड़ी आक्रामक हो गई है और दोनों के रिश्ते, अशोक गहलोत ने तो ये इन्होंने क्या कहा, अशोक गहलोत तो विधानसभा में कह चुके कि भाई एक 5 साल ये बनती है, 5 साल मैं बनता हूँ, 5 साल मैं बनती हूँ, मुस्कुराते हुए कहा था। राज्यसभा में जब भी संकट आता है तो ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे कुछ गेम कर देंगी या उनके विधायक जो है मदद कर देंगे। मानेसर वाले कांड के बाद तो कई बार ऐसा हुआ है, सियासी संकट के वक्त खास तौर पर। लेकिन आरोपों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप सरकार लगा रही है उसकी बजाय भ्रष्टाचार राहत कैंप लगाना चाहिए। ये वही वसुंधरा राजे बोल रही है जिनके खिलाफ सचिन पायलट ने मुहिम छेड़ रखी है करप्शन की। तो दोनों तरफ से करप्शन मुद्दा है राजस्थान में। देखिए, भ्रष्टाचार राहत कैंप अगर लग गया तो सबसे पहले कौन जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन कराने? कौन जाएगा? सचिन पायलट जाएंगे। सचिन पायलट जाएंगे, बिल्कुल पहला नंबर उन्हीं का ही होगा। और लेकिन सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या इंसाफ मिल पाएगा उनको, वो जो चाहते हैं वो राहत उनको मिल पाएगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा दो आप, रजिस्ट्रेशन आपका नाम पता नोट हो गया मुख्यमंत्री कार्यालय से, आप घर जाएं, आप घर जाएं, मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको सूचना मिल जाएगी जैसे ही भ्रष्टाचार दूर होगा। लेकिन सवाल ये है कि 24 अप्रैल से जब आप जाएंगे तो कई सारे ऐसे मसले हैं जहां पर आपको अपना पूरा डेटा देना होगा और उसके बाद ही आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। खास तौर पे उज्ज्वला योजना में जो 550 रुपए में सिलेंडर की बात है, 100 यूनिट बिजली की बात है या पशुधन बीमा की बात है, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जो परफॉर्मा में देख रहा था कि आप जाएं अपना पूरा जो जानकारी आप उनको दीजिए, उसके बाद फिर सरकार आपको राहत देगी, यानी करीब जून से ये सारी कवायद शुरू होगी। तो ये माने कि सरकार एक पंथ कई काज कर रही हैं, एक तो लोगों का डेटा लाभार्थियों का मिल जाएगा, दूसरा बहुत सारे लोग भी छंटनी भी हो जाएगी और सरकार को टाइम भी मिलेगा और आचार संहिता का जो पीरियड है उसमें भी आपको एक बड़ी राहत मिलेगी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको राहत नहीं देनी। देखिए, ये गहलोत जी ने मोदी जी से सीखा है। मोदी जी जाम लेके आए थे, JAM, जे से जनधन अकाउंट, ए से आधार कार्ड और एम से मोबाइल। तो मोबाइल में जनधन अकाउंट खोला गया और आधार कार्ड के जरिए मोबाइल से उसको कनेक्ट कर दिया गया और ताकि जो पैसा गया सीधा चला गया। मोदी जी को अपनी नई योजना के बारे में बताना है तो सीधा आपके मोबाइल पे वो मैसेज खनखन आ गया। तो अशोक गहलोत भी वही कह रहे हैं कि वही कर रहे हैं कि डाटा इकट्ठा हो जाए, सबके फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर सबके आ जाएँ और उसके माध्यम से फिर वो मैसेज दें कि हर महीने मैसेज जाए और बीच में हो सकता है अशोक गहलोत की रिकॉर्डेड वॉइस जाए कि आपने इस महीने का गैस सिलेंडर उठा लिया क्या, 550 रुपए में दे रहे हैं, मैं अशोक गहलोत बोल रहा हूँ मोदी स्टाइल। हाँ, जैसे हमारे पास हम अब तो नहीं आता लेकिन पहले भी हम चौंक जाते थे कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ तो कई लोग कहते हाँ सर हाँ सर, कई लोग खड़े हो जाते थे हाँ सर हाँ सर। तो ये एक वोटर तक पहुँचने का आसान तरीका है, वोटर पर एहसान करने का एक तरह से लाभार्थी योजना के तहत जैसे मोदी जी करते हैं वो तरीका, और बदले में वोट मांगना और अपना एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करना, ये तमाम चीज़ें आपके। और इससे एक दूसरी भी अच्छी चीज़ है, एक और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास डाटा इकट्ठा हो गया तो चोरी चकारी रुक जाएगी, आपको पता है कि कितने सिलेंडर कितने लोगों ने रजिस्टर कराया है तो उसके हिसाब से कितने सिलेंडर हैं जिन पर सब्सिडी की जाता है और उनमें से कितने अवेल कर रहे हैं कितने नहीं अवेल कर रहे हैं। दूसरा फायदा ये है, जैसे आपने 100 यूनिट बिजली की बात की तो बहुत से संपन्न क्लास के लोग हैं, बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से वेल टू डू लोग हैं जो नहीं जाएंगे। जैसा मोदी जी ने गैस वाले में गिव अप कनेक्शन वाला किया था, अपील की थी उसके बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको फॉलो किया था। तो इससे भी सरकार की योजना भी हो जाएगी और वाहवाही भी हो जाएगी और 4 पैसे अगर बचते हैं तो क्या क्या बुरा है। नहीं, ये अशोक गहलोत ने कहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कुछ सीखने के लिहाज से अच्छा हो तो अपने विरोधियों से भी सीखा जा सकता है। और राजस्थान में अगर शेखावाटी की बात करें तो कुछ ऐसे ही विरोधी एक दूसरे पर लगातार हमला किए हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू से विधायक और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन दिनों आमने सामने हैं। दोनों शेखावाटी से आते हैं,
दोनों एक दूसरे के खिलाफ बरसों से जो है एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन इन दिनों दोनों का एक दूसरे पर पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है। राजेंद्र राठौड़ उठाते हैं आरएस परीक्षा का सवाल कि कैसे एक ही परिवार से इतने सारे आरएस बन गए, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये लोग, कैसे अचानक से बुद्धिमान हो गए। डोटासरा कहते हैं कि इनकी बुढ़ापे में पॉलिटिकल मैरिज हुई है, ये आज तक कुछ बन नहीं पाए तो फ्रस्ट्रेशन में है। तो एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी, आपको लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है अपनी अपनी पार्टियों में पोजीशन मजबूत रखने की? देखिए, राजेंद्र राठौड़ का जो आरोप है बहुत सीरियस आरोप है, बहुत ही सीरियस आरोप है, लेकिन उसको बड़े नॉन सीरियस अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। अगर उनको शक है तो उनको आरटीआई के तहत जानकारी लेनी चाहिए कि कितने नंबर मिले उनके बेटे बेटी को। ये पहले बोल चुके हैं, जवाब दे चुके हैं डोटासरा इसका। हाँ, तो अगर जवाब दे चुके और आरटीआई के तहत भी अगर वही चीजें जो मेल खाती हैं जो कहा गया, तो बात फिर तो पॉलिटिकल पॉइंट, पॉलिटिकल बयानबाजी से ज्यादा नहीं है। और फिर या फिर कहते हैं ना, नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो नए नए प्रतिपक्ष के नेता बने हैं तो उनको लग रहा है कि मुझे बड़ा उग्र रूप, आक्रामक रूप दिखाना है और बड़े लोगों पर टारगेट करना है ताकि चर्चा में, मुख्यमंत्री पर भी वो टारगेट, वो निशाने पर लेते रहे हैं, जैसे अडानी, कोयला घोटाला, वो सब विधानसभा के अंदर ही बोले थे। और शेखावाटी से आने वाले एक और नेता हैं राजेंद्र गुड़ा। कुछ दिन पहले बड़े तल्ख अंदाज में वो कांग्रेस आलाकमान को घेरते हुए दिखे थे, कांग्रेस की कार्यशाला में नहीं गए, वहीं बाहर अपना कार्ड छोड़ा और कहा ये मेरा विदाई समारोह। लेकिन वो आज कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, अपनी विधानसभा सीट उदयपुर वाटी का फीडबैक दिया। रंधावा ने उनसे झुंझुनू के बारे में पूछा तो उन्होंने धर्म जातिगत समीकरण जो भी है वहां के बारे में बात कही और बाहर निकलकर मीडिया से कुछ नहीं बोले। शायद उन्हें कहा गया है चुप रहने के लिए, या जो वो चीज़ें चाहते हैं अशोक गहलोत से या पार्टी से उनके लिए कोई संकेत मिला हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, फिर उनको लगा हो कि अपनी सीट तो सुरक्षित करा ली जाए, विदा होते रहेंगे, नई विदा होंगे, लेकिन कम से कम ऑन रिकॉर्ड दर्ज तो करा लें, नहीं तो कोई दूसरा जाएगा वो गलत फीड दे देगा या कोई दूसरा उसका फीडबैक कुछ और कुछ हो सकता है, या इन ये ज़्यादा अपने इलाके को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा इनके पास सटीक आंकड़े हैं, तो उस लिहाज से वो गए होंगे। और कई बार होता है आप गुस्से में, आवेश में, अपने लोगों के बीच में, अपने नेता के पक्ष में आप कोई बयान आवेश में जारी कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर आप रियलाइज करते हैं कि आप क्या हैं। तो कई बार होता है कि ये राजनीति में ऊपर नीचे का खेल, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप उस पार्टी में ज्यादा आते हैं जहां उन नेताओं को पता हो कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं बच जाऊंगा। लेकिन दरअसल सवाल ये है कि नेताओं के बयानों के आधार पर पत्रकारों को उनके भावी कदम का कोई आकलन नहीं करना चाहिए, सूत्रों को अपने मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि कब नेता किस तौर पर यू टर्न मार जाएंगे सियासत में भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का संवाद फिर ये आज वीडियो लोग संभाल के रखते हैं, आपके अपोजिशन के लोग ना, ये वीडियो आपने जो भी कोई नेता बोल रहा है कहां पार्टी के खिलाफ बोल रहा है या कहीं दूसरे मंच पर पार्टी का किसी, इससे ज्यादा तो क्या कहेगा कोई कि आलाकमान की क्या हैसियत है, हम छठी का दूध याद दिला देंगे। हाँ, तो ये वीडियो किसने माइका, हाँ, तो ये माइका लाल है जिसने दूध पिया होगा। हाँ, तो जिस दिन आलाकमान की चलेगी, जिस दिन अशोक गहलोत की चलेगी और जिस दिन उनको लगेगा कि गुड़ा की सीट से कोई विकल्प है, तो उस दिन ये वीडियो बहुत काम आएगा। लेकिन गुड़ा के लिए भी ज्यादा मुफीद जो है वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना रहा है, आपने देखा इतिहास उनका, वो बीएसपी से लड़कर आते हैं और जो वहां का समीकरण है उस लिहाज से भी, और उनको वहां के गुर्जरों के वोटों का जो समर्थन चाहिए उस लिहाज से भी वो हाल ही के दिनों में जिस तरीके से उनका मूव है। लेकिन कांग्रेस के संवाद का आखिरी दिन और आज जब रंधावा वापस जाएंगे दिल्ली, तो उनके पास चार दिनों का बहुत बड़ा फीडबैक है, बयान भी हैं, सुझाव भी हैं, नाराजगी भी है, तल्खी भी है, झगड़ा भी हो गया है अंदर, सब कुछ देख लिया है उन्होंने। और रंधावा ने ये कहने की कोशिश भी की है कि मैं राजस्थान में सरकार को रिपीट करवाऊंगा, पंजाब जैसे हालात नहीं होने दूंगा। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि रंधावा साहब की बात को ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए। देखिए, आप जितना डाटा लेके गए हैं उस डाटे का अगर साइंटिफिक स्टडी किया जाए, या तो ये फाइलें कोने में जाकर पटक दी गई, हाशिए पर डाल दी जाएंगी, माकन भी लेकर गए थे ऐसे, अच्छा, तो या फिर उनकी कोई स्टडी हो, वॉर रूम हो, वॉर रूम में ये सारे आंकड़े दिए जाएं, उसका विश्लेषण किया जाए, उसका विश्लेषण करने के आधार पर कुछ
चीजें तय की जाए नए सिरे से, तो फायदा इस तरह के एक्सरसाइज का, नहीं तो चार दिन की ऐसी कोई एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। बंद कमरे में बैठकर आप इस तरीके से वन टू वन संवाद अगर कर रहे हैं तो जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों पर क्या आप अमल करेंगे, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, पार्टी में अनुशासन का डंडा चलेगा, क्या जो आप कह रहे हैं कि सर्वे में जो विधायक टिकट जिनको चुनाव हार रहे हैं उनका टिकट कटेगा, ये सारी बातें अगर आप वाकई जमीन पर धरातल पर लागू कर पाए तब तो ठीक है, लोगों में आपका विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा इस तरह के संवाद पहले भी होते रहे हैं और फिर हो जाएंगे। इलेक्शन में अभी वक्त है, एक बार हो सकता है कि अभी तो ये बंद कमरे में कर रहे हैं, फिर संभाग वाइज चले जाएं, फिर जिला वाइज चले जाएं, लेकिन टिकट वितरण का जो पैटर्न कांग्रेस में है वो बहुत जटिल है। आप जानते हैं कि कैसे आखिरी समय पर नाम बदल दिए जाते हैं, पैनल में नाम एंट्री होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, कांग्रेस का बड़ा जटिल सिस्टम नहीं है। वो सब जगह है आजकल, सारी पार्टियों में ऐसा। अभी कर्नाटक में क्या हो रहा है, ताजा उदाहरण कर्नाटक का इसलिए हम दे रहे हैं बार बार क्योंकि कर्नाटक में अभी चुनाव हो रहा है और उसमें हम देख रहे हैं टिकट वितरण का काम कैसे चल रहा है। अब तो आज खत्म हो गया, अब तो नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था, लेकिन बीजेपी खेमे के, जेडीएस खेमे के और कांग्रेस खेमे के कैसे टिकट बटे हैं, अब तो टिकट बिकने लगे हैं। पहले मतलब बहुजन समाज पार्टी या दूसरी रीजनल पार्टी के लिए कहा जाता था, अब तो राष्ट्रीय पार्टियों पर लगता है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर कितना असर पड़ेगा आपके लिए? आपसे देखिए, तात्कालिक रूप से जोश आएगा, कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, दूसरी जनता, दूसरे राज्यों की जनता को भी लगेगा कि कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव बीजेपी को हरा कर निकाला, इससे पहले हिमाचल में हराया, तो एक विकल्प है कांग्रेस। और हालांकि कांग्रेस कर्नाटक में अक्रॉस पूरा स्टेट में उसका असर है और हमेशा उसके वोट पिछली चार बार से कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज्यादा आ रहे हैं, सीटें बेशक कम होती हैं, संगठन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कर्नाटक में चुनाव जीतती है मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत होंगे। मोदी जी के खिलाफ जो अडानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और ये सब पुलवामा को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष में और ज्यादा जोश आएगा, विपक्ष और ज्यादा एक होगा, कांग्रेस विपक्ष की धुरी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है कांग्रेस के। एक आखिरी सवाल, क्या राजस्थान कांग्रेस का सियासी मसला अगर कर्नाटक में चुनाव जीत पाती है कांग्रेस, खड़गे मजबूत होते हैं, तो कोई रास्ता निकलेगा लगता है आपको? नहीं, यहाँ मैं आशावादी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, जो कि करीब करीब जीत ही रही है अगर बड़ी गलती नहीं करे, जैसा कि वहाँ से ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद खड़गे का बहुत ज़्यादा ध्यान झगड़ा सुलटाने में हो प्राथमिकता के आधार पर, मुश्किल है, वैसा मुझे मुश्किल लगता है। तो फिर राजस्थान कांग्रेस में सुलह का कोई फॉर्मूला निकलेगा, नहीं निकलेगा, पायलट इसी तरीके से मुद्दे उठाते रहेंगे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़े करते रहेंगे और जनता के बीच अपनी उपस्थिति इसी रूप में, इस तौर पर दर्ज करवाते रहेंगे? ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।